डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम एल्फ्रेड है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला हूँ। यहाँ के एक शहर लॉस एंजलिस में मैं रहता हूँ और काम करता हूँ। मैं एक मैगजीन के लिए काम करता हूँ और जब 5 साल पहले मैं इस मैगजीन में काम करना शुरू हुआ था, तब ये मैगजीन ज़्यादा नहीं चला करती थी। इस मैगजीन में कई तरह की तस्वीरें लगाई जाती थी, कई घटिया घटिया आर्टिकल लगाए जाते थे, लेकिन मैंने मैगजीन में पहली बार डरावनी घटना की जानकारी लिखना शुरू की थी। ऐसी घटना जिसमें कई लोगों को मारा गया हो। फिर मैं सीरियल किलर्स के पीछे पड़ना शुरू हो गया। जितने भी सीरियल किलर पकड़े गए हैं, एक एक करके मैं उनकी इंटरव्यू लेता जाता, उनके आर्टिकल इस मैगजीन में छपते जाते। मुझे भी तरक्की मिल रही थी, मेरी भी अच्छी कमाई हो रही थी और ये मैगजीन भी धीरे धीरे काफ़ी नाम कमाने लगी। और अब मैं कामचोर होना शुरू हो गया। मैं बस 2-4 महीनों में कोई एक ही आर्टिकल लिखता और जो आर्टिकल मैं लिखता वो सबसे ज़्यादा चलता। मुझे कई ट्रेनिंग दिए गए थे जिन पर मैं ऑर्डर चलाया करता। उनको मैं कहता ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है, और मुझे लगने लगा था मैं तो भगवान हूँ, जो लिख दूंगा लोगों को पसंद आ जाएगा। और यही किसी की भी सबसे बड़ी गलती होती है, खुद को इतना बड़ा समझ लेना कि कोई आपसे बेहतर काम कर ही ना पाए। और वो 5 ट्रेनिंग कब मुझसे काम सीखकर मेरे जैसे अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखना शुरू हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। अब उनकी कमाई मुझसे बेहतर हो गई थी और मैं दोबारा पहले जैसी मेहनत करना चाहता था, लेकिन मैं चाहता था कोई ऐसी घटना जो इतिहास में घटी हो जिससे लोग डर गए हों, उसे मसाला लगाकर लोगों के सामने पेश करूँगा। मैं अब एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में आर्टिकल लिखना चाहता था जिसके बारे में बात करने से हर कोई डरता है, और इस आर्टिकल को लिखने के लिए मुझे उसी स्ट्रीट में रहना होगा जहां पर ये घटनाएं घटी थी। यही तो है मेरे काम करने का तरीका। वो सीरियल किलर जिस घर में रहते हैं, मैं वहां पर जाकर रहता हूं। कोई भी ऐसा काम करने की हिम्मत तक नहीं करता। अब मैं भी स्ट्रीट 39 में पहुंच गया था, स्ट्रीट 39 का वही सीरियल किलर का घर। 20 साल पहले स्ट्रीट 39 में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने पूरे लॉस एंजलिस को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने 15 लड़कियों को मार डाला था, उसका नाम था रसलान। रसलान यहीं पर रहने वाला एक रशियन था। वो रात के वक्त लड़कियों को उठाता, उन्हें मारता और यहीं पर दफना देता। कोई भी लड़कियों की लाश तक ढूंढ नहीं पा रहा था और 15 लड़कियों को मारने के बाद बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा जा सका था। यहाँ पर जब इस घर के पीछे खुदाई की गई थी, तब जाकर वहाँ से लाशें निकाली गई थी। कहा जा रहा था कि उसने लड़कियों की लाशें कहीं और छिपा रखी थी, मारकर कहीं और दबा रखी थी, लेकिन उसे डर पड़ गया था कि पुलिस उसके पीछे पड़ सकती है। और एक ही रात पहले उसने यहाँ पर खुदाई की और उन लड़कियों की लाशें यहाँ आकर दफना दी। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर साइमन जब यहाँ से गाड़ी लेकर निकल रहे थे, उन्हें बदबू आई। ये लाशों की बदबू थी और उन्हें लग रहा था आसपास कोई शरीर सड़ रहा है। ये जानवर की लाश भी हो सकती है, इंसान की लाश भी हो सकती है। उन्होंने बदबू का पीछा किया और जब घर के पीछे वो पहुँचे, उन्होंने देखा रसलान लोगों की उन लाशों को दफना रहा था। 15 लाशें यहाँ दफनाई थी और तब साइमन भी चुप रहे थे। उन्हें डर था कि ये सीरियल किलर कुछ भी कर सकता है। तब सुबह वो और पुलिस वालों को लेकर आए और यहाँ रसलान भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। 15 लाशें पीछे गार्डन से निकाली गई थी और रसलान को उम्र कैद की सजा हुई थी। उसे आधा पागल माना जा रहा था क्योंकि वो अपनी इस गुनाह की सजा मांग रहा था। उसने पहले तो कहा उसने ये गुनाह किए नहीं, लेकिन अगर उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो वो चाहता था कि उसे मौत की सज़ा हो।
लेकिन कई सबूत थे जो उसके खिलाफ थे, कई उसका साथ दे रहे थे। अंत में जज ने उसे उम्र कैद की सजा दी थी। साइमन ने पूरा जोर लगाया था कि उसे मौत की सजा मिले, लेकिन वो हो नहीं पाया। वहां पर साइमन ने बहुत तफ्तीश की थी, उसने काफी ज्यादा इंटेरोगेशन की थी रसलान से, क्योंकि एक लड़की और गायब हुई थी, साइमन की पत्नी, जिसे ढूंढा ही नहीं जा सका। वो लाश कभी ढूंढी ही नहीं गई और रसलान को कई बार पीटा गया, लेकिन उसने बताया ही नहीं आखिर साइमन की पत्नी की लाश कहां दफनाई गई है। कई पुलिस वालों का मानना था कि साइमन की पत्नी को किसी और ने मारा और उसकी लाश कहीं और ले गया। कई पुलिस वालों को रसलान पर ही शक था कि इसी ने बाकी लड़कियों को भी मारा और इसी तरह साइमन की पत्नी को भी मारा, लेकिन साइमन की पत्नी की लाश वो शायद यहाँ पर ला नहीं पाया। कई और लड़कियों की लाशें जो यहाँ तक लाई नहीं जा सकी, उनके बारे में कभी पता नहीं चला और ना ही उसने उगला, वो जेल में है। और मैं इस पर एक आर्टिकल लिखना चाहता था। ऐसी भयानक जगह, आखिर कौन यहाँ पर आना चाहेगा? 20 सालों से ये घर बंद था और मैंने ये घर खुलवा लिया। एक जर्नलिस्ट क्या नहीं करवा सकता? जर्नलिस्ट के पास कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कई ऐसे गवाह होते हैं, कई ऐसे सबूत होते हैं जो पॉलिटिशियन को फंसा सकते हैं, लेकिन हमें छिपा कर रखने पड़ते हैं। कह सकते हैं उनकी चाबी हमारे पास होती है और हम उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं। यहाँ पर कई लोगों ने कोशिश की इस पर पूरी तरह से आर्टिकल लिखने के लिए, इस घर में रहने के लिए। मना सिर्फ सबको मैं ही पाया और अब मैंने अपना सारा सामान इस घर में रखवा दिया था। यहाँ पर रहता था वो सीरियल किलर, मैं यहीं पर रहकर उसके जैसा सोचने की कोशिश करूँगा। 20 साल पहले यहाँ दहशत पड़ गई थी, लेकिन अब तक लोग इस घर की बातें करते हैं। भले ही आसपास लोगों ने घर ले लिए हैं, लेकिन इस घर में आने की हिम्मत कोई नहीं करता। 20 साल पुरानी घटना मैं दोबारा जिंदा करने वाला था। पहली शाम तक मैंने सारा सामान वहाँ पर रखवा दिया था। उसके बाद शाम के वक्त मुझे सैर करने की आदत है, तो मैं बाहर निकल पड़ा। मैं एक नोटबुक हमेशा अपने साथ रखता हूँ, एक पेन भी अपने साथ रखता हूँ। जहाँ पर भी मैं ऐसा आर्टिकल लिखने वाला होता हूँ, आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से भी तफ्तीश करने की कोशिश करता हूँ। कई लोगों के घर होंगे जो 20 साल पुराने होंगे, कई बूढ़े बुजुर्ग होंगे जो यहाँ पर 20 सालों से रह रहे होंगे। उन्होंने अपनी आँखों से इस घटना को देखा होगा, जब यहाँ से लड़कियाँ गायब हो रही थी उन्हें इसकी जानकारी भी होगी। आखिर उनसे बात करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। 7 बजे मैं घर से बाहर निकला था सैर करने के लिए, और वहाँ और भी कई लोग थे। कुछ अपने कुत्तों को घुमा रहे थे, तो कुछ बूढ़े बुजुर्ग कुछ छड़ियाँ सी लेकर वहाँ चलने की कोशिश कर रहे थे। भले ही उनके घुटनों में जान नहीं थी, लेकिन सेहत को ठीक रखने की कोशिश अब भी उनकी सही थी। सबसे पहले तो मैं एक बूढ़े के पास पहुँच गया। उसकी वो जो लाठी थी बार बार फिसले जा रही थी। मैंने देखा सामने काफ़ी पानी पड़ा हुआ था और उसकी वो छड़ी फिसल रही थी, तो मैंने उस बूढ़े को कंधा दिया और थोड़ा आगे निकलवा दिया। आगे पानी नहीं था। उसने मेरा धन्यवाद किया और मैं सिर्फ धन्यवाद नहीं चाहता था, मैं जानकारी चाहता था। उसकी उम्र 60 से 70 साल होगी, घुटने उसके काम नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने बातों बातों में उससे पूछा, आप यहीं पर रहते हैं? काफ़ी उम्रदराज लगते हैं, शायद काफ़ी अमीर है। तब उसने कहा, हाँ मेरे काफ़ी बिजनेस है, लेकिन अब शरीर ही काम नहीं करता तो क्या करें, घूमने का शौक तो है लेकिन चल ही नहीं पाता। मैंने उससे पूछा, अच्छा कौन सा घर है आपका? उसने छड़ी से इशारा कर दिया, वो बड़े वाला। अच्छा है ना? काफ़ी अच्छा घर था, लेकिन घर से क्या काम, काम तो उस बुज़ुर्ग से था। मैंने अब सीधा सीधे उस बुज़ुर्ग से पूछा, अच्छा आप यहीं पर रहते हैं? ये वाला घर, ये तो बहुत डरावना घर है, और आपका घर इसके बिल्कुल पास है, आपको पता तो है ना यहाँ क्या हुआ था? उस बूढ़े ने आंखें चौड़ी करके कहा, हाँ मैं जानता हूँ, उस समय मैं यहीं पर मौजूद था। रसलान, वो दानव जिसने 15 लड़कियों को मारा, उसे मौत की सजा क्यों नहीं हुई, मैं जान ही नहीं पाया। आखिर उस इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अब वो भी गर्म होने लगा था, गुस्सा करने लगा था, और जब किसी के अंदर गुस्सा भरना शुरू हो जाता है, समझो जानकारी निकलना शुरू हो जाती है। मैंने उससे सवाल करने शुरू कर दिए, अच्छा तो 20 साल पहले आप यहाँ पर थे, अब बता सकते हैं यहाँ पर कैसे कैसे घटनाएं शुरू हुई थी? क्योंकि आर्टिकल तो मैंने बहुत पढ़े हैं।
आपसे किसी ने इंटरव्यू भी नहीं लिया होगा? उसने सर हिला दिया, नहीं किसी ने भी नहीं लिया। मैं मुस्कुरा दिया, अच्छा है एक किरदार मिल गया जिसका इंटरव्यू सिर्फ मैं लेने वाला था। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप चल नहीं पा रहे हैं, आपको घर तक छोड़ दूँ? उसने कहा, कोई बात नहीं, अब घुटने काम नहीं कर रहे तो क्या करें। मैंने उसे कंधा दिया और घर तक पहुँचाया। उसने भी कह दिया, आओ चाय वाय पी कर जाओ। मैंने हामी भर दी, यही तो करने के लिए मैं आया था। अब उसने वो बड़ा गार्डन दिखाया, उसका आलीशान घर था। सच बताऊं 5 मिलियन से कम का घर नहीं होगा वो। और वहाँ बिल्कुल सामने गार्डन बना हुआ था, गार्डन के बीच में फव्वारे लगे हुए थे, कई नौकर थे वहाँ पर। लेकिन वो पत्थर की बनी हुई कुर्सियों पर हम दोनों बैठ गए। उसने नौकर को इशारा किया कि 2 चाय बना कर लाओ, और अब वहाँ पर बैठ कर मैं उससे बातें कर रहा था। वक्त रात का हो चला था और बातें भी गंभीर हो रही थी। मैं बार बार उससे कहता जाता, अब डर तो नहीं रहे ना? और वो कह देता, अरे नहीं नहीं, वो बात बताने में काहे का डर, 20 साल पहले वो घटना घटी थी और उसे पकड़ भी लिया गया है। अगर तो वो आज़ाद होता फिर तो डर ज़रूर लगता, और हो सकता है मैं तुम्हारे साथ बैठता भी नहीं और तुम्हें घर के अंदर तक ना आने देता। लेकिन अब उसे पकड़ा जा चुका है, उसके बाद से यहाँ पर कोई घटना नहीं घटी। तब उस बूढ़े आदमी ने शुरू से कहानी बताना शुरू कर दिया। 20 साल पहले यहाँ पर कई क्लब भी हुआ करते थे, लड़कियाँ रात को घूमने के लिए भी जाया करती थी, कई लड़कियाँ तो आधी रात को घर आया करती थी, और कुछ के पास गाड़ियाँ थीं, कुछ के पास नहीं थी, दोस्तों के साथ ही आया करती थी, कुछ चलकर भी रास्ता नाप लिया करती थी, कोई डर नहीं हुआ करता था। लेकिन अचानक लड़कियाँ गायब होना शुरू हो गई। सड़कों पर जब लड़कियाँ खड़ी होती, दोस्तों का इंतज़ार कर रही होती, तब उन्हें कोई उठा कर ले जाता। किसी को समझ में नहीं आ रहा था आखिर कौन है जो उन्हें उठा कर ले जाता है। लेकिन वो दोबारा मिलती ही नहीं। ऐसा लगभग 8 महीनों तक चला था। 15 लड़कियां गायब हुई थी, लेकिन कहा जाता है लड़कियां उससे भी ज़्यादा गायब हुई, कई दूसरे इलाकों में भी गायब हुई थी। लेकिन असली गिनती तो वो मानी जाती है जो यहाँ की लड़कियां गायब हुई थी, 15। उसके बाद वो 15 लड़कियां गायब हो चुकी थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कौन है जो उन लड़कियों को मार रहा है। वो तो इंस्पेक्टर साइमन को वो बदबू आ गई। आपने भी कहानी सुनी होगी ना, साइमन की बदबू ने पहचान लिया था कि इस तरह से वो रसलान घर के पीछे लड़कियों की लाशें दफनाया करता था। तब मैंने कहा था, वो सारी लाशें घर के पीछे दफनाया करता था, कहीं और नहीं दफनाया करता था? मैं नोटबुक पर हर चीज़ नोट किए जा रहा था और वो बुज़ुर्ग मुझे बताता गया, नहीं कहा जाता है कि घर के पीछे शुरू में नहीं दफनाया करता था, पहले पहले लड़कियों की लाशें कहीं और दफनाता था, वहाँ पकड़ा ही नहीं गया। लेकिन एक रात जब वो वहाँ से लाशें निकाल कर अपने पीछे वाले गार्डन में दफना रहा था, तब वो पकड़ा गया। अगली सुबह यहाँ पुलिस ही पुलिस आ चुकी थी। मैं भी घबराया हुआ था, आखिर पुलिस यहाँ पर क्यों आई है? ये तो अमीरों का इलाका है, यहाँ पर कोई क्रिमिनल थोड़े ना रहता है। लेकिन रसलान यहीं पर रहता था, वो काफ़ी अमीर था, उसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी थी, उसका बेटा आर्मी में था जिसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन वो इस तरह लड़कियों को मारता होगा किसी ने सोचा तक नहीं था। वो तो मेरे घर में भी आया करता था, कई बार चाय पी कर जाया करता था, उस पर तो कभी शक ही नहीं हुआ। और मुझे बाद में पुलिस वालों ने बताया भी था, ये जो सीरियल किलर होते हैं इनके दिमाग ऐसे ही होते हैं, ये बहुत साधारण बनकर रहते हैं, लेकिन जब क्राइम करते हैं तो बहुत घिनौना करते हैं। उसके बाद से मैंने अच्छा कोई दोस्त बनाया ही नहीं, और अब तक मैं ज़्यादातर अकेला ही रहता हूँ, कहीं घूमने भी जाता हूँ किसी पर भरोसा नहीं करता। तुम मुझे अच्छे लगे, तुम कौन से घर में रहते हो? और मैंने जैसे ही उसे कहा, वो रसलान वाला घर, उसकी टांगें कांपती हुई देखी थी मैंने, और मुझमें जैसे वो सीरियल किलर देख रहा था। उसने गला पीछे की तरफ किया था, मुंह बंद कर लिया था, आंखें फट गई थी, और उसे ठंडा करने के लिए मैंने कहा, अरे घबराइए मत, जर्नलिस्ट हूँ मैं, उस न्यूज़ को दोबारा से दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ ताकि लोग समझ पाएँ कि सीरियल किलर कैसे काम करते हैं। मैं नहीं डरता, मैं तो उसी घर में रहता हूँ और पूरी इंफॉर्मेशन निकालूंगा। आपका भी इंटरव्यू लिया है मैंने, यहाँ और भी होंगे ना कुछ बुज़ुर्ग जो उस ज़माने के होंगे, 20 साल पहले भी यहाँ पर रहते होंगे, उनकी भी इंटरव्यू लेनी है। मेरी ये बात सुनने के बाद वो थोड़ा घबराना कम हुआ था और उसने सीधा इशारा कर दिया कि तुम जा सकते हो। उस घर में कुछ जादू था जहाँ रहने वाले को हर कोई शक की निगाह से देख रहा था।
अब बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका था और मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा, लेकिन अभी थका नहीं था। बातें ही तो की थी मैंने, सैर तो अच्छे से कर नहीं पाया। इसके बाद मैं सैर करने के लिए आगे की तरफ बढ़ चला। वो घरों के पीछे गार्डन काफी बड़े बड़े थे और आगे एक पार्क भी बनी हुई थी। जैसे ही मैं उस पार्क के पास पहुंचा, वहां और कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी जो वहां बनी एक सीट पर बैठी हुई, अपनी आंखें नीचे की हुई, ऐसा लग रहा जैसे रो रही हो। उसके पास से पहले तो मैं गुजर गया, लेकिन अब उसकी रोने की आवाजें आ रही थी तो मेरे दिल में भी थोड़ी सी दया आ गई। मैं उस लड़की के पास गया और उस सीट पर मैं भी बैठ गया। मुझे देखकर वो हैरान नहीं हुई थी, बल्कि एक तरफ चेहरा करके रोए जा रही थी। मैं अब उससे बात करना चाहता था और मैंने हल्की सी आवाज में कहा, सुनिए आप रो क्यों रही हैं? कोई परेशानी तो नहीं है? आप मुझे बता सकती हैं? इतना लंबा तगड़ा तो हूँ, आपकी छोटी मोटी परेशानी तो मैं दूर कर ही सकता हूँ। लेकिन वो अब भी आंखें नीचे की तरफ झुकाए हुए रोए जा रही थी। मैं क्या करता, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे बात करने की कोशिश की। देखिए आप रोइए मत, जो भी परेशानी है मुझे बताइए, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। लेकिन उसने सर हिला दिया, उसने ना कहा था। मैं फिर भी चुप रहने वाला नहीं था। अगर कोई लड़की इस तरह से रो रही है, यकीनन कोई ना कोई परेशानी में तो होगी ही, घर का झगड़ा, बाहरी झगड़ा, या किसी ने तंग किया हो। अब लड़कियों को छेड़ने वालों की संख्या भी तो बहुत ज्यादा है, किसी लड़के ने ही तो नहीं छेड़ा, ये डर तो नहीं रही? कई खुद को गैंगस्टर समझते हैं, इस तरह लड़कियों को छेड़ते हैं जैसे पकड़े जा ही नहीं सकते। मेरी जान पहचान बहुत है, इसकी मदद तो मैं करके ही रहूंगा। फिर से कंधे पर हाथ रखा मैंने और कहा, देखो परेशानी छोटी हो या बड़ी हो, मुझे तुम बता सकती हो, मैं हर तरह की परेशानी दूर कर सकता हूं। तब उसकी हल्की सी आवाज आई थी, तुम नहीं कर सकते, कुछ परेशानियां बहुत बड़ी होती हैं, उनसे निपटारा पाया नहीं जा सकता। वो रोकर ये शब्द कह रही थी और मैंने वहीं बैठे उसको कहा, मैं कर सकता हूं, मेरा यकीन तो करो, कितनी बड़ी परेशानी है। उसने अब रोना बंद कर दिया, अब हल्की सी आवाज में कहा, किसी ने मार दिया है, वो समझ में ही नहीं आ रहा कौन है, कुछ याद ही नहीं आ रहा। मैं घबरा सा गया था, ये तो कत्ल का केस लगता है। कौन कौन, किसको मारा है, किसको मारा है, मुझे बताओ, पुलिस को अभी फोन लगाता हूं। तब उसने फिर से रोना शुरू कर दिया, पुलिस, पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती, वो तो कब का काम करना बंद कर चुकी है, हमारी मदद अब कोई नहीं कर सकता। मैं फिर से उससे बात करना चाहता था, बताओ मुझे किसका कत्ल हुआ है, मुझे बताओ, अभी पुलिस को बुलाता हूँ, क्यों नहीं काम करेगी, मैं दबाव बनाऊंगा, मेरी जान पहचान बहुत ऊपर तक है। तब उसने फिर से रोना बंद कर दिया और उसने कहा, मेरा कत्ल हुआ है, कातिल को सजा दोगे? ये शब्द सुनकर मैं चुप सा हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं बोलूं तो क्या बोलूं, इसका कत्ल, ये तो जिंदा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मजाक मत करो, तुम तो जिंदा हो, कत्ल किसका हुआ है? फिर से उसने कहा, कह तो रही हूं मेरा कत्ल हुआ है, कातिल को सजा दिलवा सकते हो? मैं अब कुछ समझ नहीं पाया और गहरी सी आवाज, भारी सी आवाज में उसे कहा, देखो मजाक मत करो, अगर तुम्हारा कत्ल हुआ है तो तुम तो मरी होनी चाहिए ना, और तुम अगर मरी हो फिर तो मैं सजा दिलवा सकता हूं, लेकिन तुम तो जिंदा। तब उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ किया था, वो भयानक चेहरा मैं भूल नहीं सकता। एक तरफ का आधा चेहरा बहुत ही सुंदर, दूसरी तरफ का आधा चेहरा सड़ा हुआ जैसे किसी मुर्दे का हो। घबरा कर मैं खड़ा हो गया था, पहले तो मैं इतना ज्यादा डर गया जैसे सच में भूत देख लिया हो। लेकिन बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती ही रहती हैं। हैलोवीन काफी नजदीक था, हो सकता है ये लड़की लोगों को डरा रही हो। मैं मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये अच्छा मेकअप किया है, मैं नहीं डरने वाला, मैं जानता हूं तुम मरी नहीं हो सकती। तब वो खड़ी हो गई और कहने लगी, अब कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं मर चुकी हूं, लो गायब होकर दिखाती हूं। एक झटके में मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई थी वो लड़की, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैं अपना मुंह कभी इधर घुमाता, अपना मुंह कभी उधर घुमाता, मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा था, मेरी जुबान जैसे मुंह से चिपक गई थी।
मेरा जबड़ा जम गया था। ना मैं चीख पा रहा ना हिल पा रहा, पीछे की तरफ गिर गया था क्योंकि खून का दौरा जैसे सर की तरफ नहीं हो रहा था। फिर मैं उठा और भागा अपने घर की तरफ। भूत भूत मन में चीख रहा था, जबान तो कुछ कह नहीं रही थी। भागता भागता सीधा घर में। घर का दरवाजा बंद किया मैंने और मैं सोफे पर बैठ गया। बार बार आंखें मलते हुए मैं खुद को कहे जा रहा था, सच था या भ्रम था, अब मैं क्या करता। यहां अकेला था और ज्यादा डर लग रहा था, तो मैंने अपने दोस्त को फोन लगा लिया। मैंने जैसे ही अपने दोस्त को फोन लगाया, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे और वो पूछे जा रहा, क्या हुआ, कुछ हो तो नहीं गया, कोई पीछे तो नहीं पड़ गया। तब मैंने धीमी सी आवाज में कहा, यार भूत नहीं देखी मैंने। और वो हंसने लगा, बहुत देर हंसता जा रहा, यार कैसी बातें कर रहा है, मैं तो डर ही गया, कोई सीरियल किलर तेरे पीछे तो नहीं पड़ गया, कहीं कोई मारने वाला पीछे तो नहीं पड़ गया, और तुझे भूतनी नजर आई है। और मैं उसे कहने लगा, झूठ नहीं यार, सच में भूतनी नजर आई है, वहां वो सीट पर भूत बैठी हुई थी और मैंने उससे पूछा क्या हुआ, उसने कहा मुझे किसी ने मारा, सजा दिलवा सकते हो, और मैं मान ही नहीं रहा था। तब उसका चेहरा देखा, मुझे तब भी लगा हैलोवीन आने वाली है यार, किसी ने मेकअप किया होगा, मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई भाई। तब वो कहने लगा, अरे यार हंसी वाली बात ही तो है, तू भूतों पर यकीन नहीं करता, इसका मतलब ये तो नहीं कि भूत होते ही नहीं, और तुझे थोड़े ना नुकसान पहुंचाया उसने, पहुंचाया तुझे, मैंने हल्की सी आवाज में कहा, नहीं नहीं यार नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन भूत देखा मैंने यार, अब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो मुझे समझा रहा था, देखो जिस तरह से हम रहते हैं भूत भी रहते हैं, यहाँ दुनिया में बहुत चीजें हैं, तुझे नुकसान नहीं पहुंचाया मतलब वो बुरी आत्मा थोड़े ना है, अब जब हम मर जाते हैं हमारी आत्मा आजाद हो जाती है ना, वो यहाँ पर भटकती रहती है, जब तक हमारा इस दुनिया में समय है वो भटकती रहेगी और उसके बाद आजाद हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है, वो प्रेत है, लोगों को प्रेत लॉस एंजलिस में दिखते हैं, बहुत पुराना शहर है ना। अब इस तरह वो मुझे समझाता रहा और मुझे भी बात समझ में आती रही, अब उसकी बातें अच्छे से समझ पाया था। वो पहले भी मुझे कहा करता था भूतों पर यकीन करना चाहिए, मैं हमेशा कह देता भूत होते ही नहीं, जिस चीज को आपने कभी देखा ही ना हो आप यकीन कैसे करोगे, आज देख लिया है भरोसा हो गया है। इसके बाद मैं डर रहा था कि भाई भूत मुझे नुकसान पहुंचा देगा, और उसने समझाया भी, तुमने कौन सा वहां कुछ बुरा किया, तुम कौन से किसी भूतिया घर में रहे और तुम्हें किसी ने नुकसान पहुंचाया नहीं तो उसे बुरा कैसे कह सकते हो, आत्माएं नजर आती हैं लॉस एंजल्स में, कई लोगों को माइकल जैक्सन की आत्मा नजर आती है, कई लोगों को और भी कई बड़े बड़े सेलेब्रिटीज की आत्मा नजर आती है, अब चेहरा तो पहचाना ना, किसी एक्ट्रेस से तो नहीं मिलता था। मैंने कहा, नहीं यार एक्ट्रेस से नहीं मिलता था, लड़की तो आधी खूबसूरत लग रही थी। तो उसने कहा, तो होगी ना यहाँ रहने वाली कोई खूबसूरत लड़की, बेचारी के साथ कुछ बुरा हुआ होगा, कोई बात नहीं, अब नजर आ गई तो नजर आ गई तो क्या हुआ, दोबारा मिलकर आना अगर अच्छी लगी हो। अब उसकी ये बात घर कर गई थी दिल में। मुझे रहस्य सुलझाना बहुत अच्छा लगता है। वो भूतनी ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वो मदद मांग रही थी। इंसान हो या भूत, अगर किसी को मदद चाहिए तो मैं मदद किया करता था। 11 बजे तक मैं बस सोचता जा रहा था, और 11 बजे मैंने सोचा फिर से मैं उस पार्क में चलता हूँ, क्या वो भूतनी मुझे दोबारा नजर आएगी। मैं 11 बजे फिर से चल पड़ा, एक नोटबुक एक पेन लिए उस तरफ। जैसे ही मैं पार्क में पहुंचा, मैं उस सीट के पास था और वहां पर वो लड़की मुझे नजर नहीं आई। मैं उसे ढूंढता जा रहा था, कभी इधर कभी उधर। जिंदगी में पहली बार भूतनी देखी थी, और सच में भूतनी भी अजीब सी होती हैं, कभी दिखती हैं कभी नहीं। मैं बस उससे मिलना चाहता था, यह तड़प थी जैसे किसी लड़की से मिलने की हो। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं लड़कियों से कम ही बात करता हूँ, मैं काम में ध्यान देता हूँ, और ये पहली लड़की थी जिसे मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। अब उस पार्क में कभी मैं इधर गया कभी मैं उधर गया। जैसे ही एक पेड़ के पास पहुँचा, वहाँ ज़मीन पर बैठकर एक लड़की रो रही। जो पहले वाली लड़की थी उसके बाल काले थे, अब इस लड़की के बाल सुनहरी रंग के थे। हो सकता है ये वही लड़की हो सकता है ये कोई और लड़की हो सकता है ये भूतनी हो सकता है आम लड़की हो, इसीलिए फिर से शुरुआत करनी होगी। अब मैं चलते चलते उसके पास से गुजरा और रोने की आवाज़ आई। वहाँ रुककर मैं उससे पूछने लगा, देखिए कोई प्रॉब्लम है बताइए मुझे, किसी ने परेशान तो नहीं किया। अब उसने सर हिला दिया, बिल्कुल उस लड़की की तरह।
मैं फिर वहां पर खड़ा होकर कहने लगा, देखिए आप रो रही हैं, मुझे लगता है आप किसी परेशानी में हैं। अगर आपको कोई परेशानी है मुझे बता सकती हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। पुलिस वाली परेशानी है, कोई गुंडा तंग कर रहा है, आप बता सकती हैं, हर परेशानी का हल कर सकता हूं, जान पहचान बहुत है मेरी। तब उसने सर हिलाकर ये हल्के से शब्दों में कहा, तुम मेरी परेशानी दूर नहीं कर सकते, जाओ यहां से। मैं वहीं पर खड़ा हो गया, देखो फिर रो मत, अगर परेशानी मैं ठीक नहीं कर सकता तो मैं रोने भी नहीं दूंगा, तुम्हें चुप करवा कर ही जाऊंगा। देखो मेरा चेहरा जोकर जैसा है, तुम्हारी हंसी तो निकल ही जाएगी। तब नीचे की तरफ वो नजरें किए हुए अब भी रोए जा रही थी। मैंने फिर से सवाल पूछा, बताओ तो सही, मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा जितनी होती है। तब उसने कहा, परेशानी बड़ी है, कोई पुलिस वाला भी मदद नहीं कर सकता। मैंने कहा, परेशानी क्या है बताओ तो ज़रा। उसने कहा, कोई मर गया है और जिसने मारा है उसको सजा देनी है। बिल्कुल उस लड़की की तरह मैंने अब वहीं पर जमीन पर बैठकर उससे पूछा, कौन मरा है, किसको सजा देनी है, सच बताओ, तुम तो नहीं मरी और किसी और को सजा तो नहीं देनी। अब जो वो कहने वाली थी वो मैंने ही कह दिया था, इसलिए भौंचक्की सी होकर वो मेरी तरफ देखने लगी। ये लड़की और भी ज्यादा खूबसूरत थी, माथे पर एक छोटा सा कट का निशान, लेकिन आंखें जानी पहचानी सी, हवा में लहराते हुए वो बाल मुझे ये बता रहे थे वो साधारण लड़की नहीं है, वो एक प्रेत है। और मेरी तरफ वो आंखें फाड़ कर देख रही थी और कह रही थी, तुम जानते हो मैं मर चुकी हूं और जिसने मुझे मारा है उसे सजा देना चाहती हूं। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम एक प्रेत हो, वो पहले भी तुम्हारी कोई सहेली मिली थी मुझे, मैं पहले डर गया, अब मैं जानता हूं, देखो तुम मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाओगी ना, मैंने तो तुम्हें नहीं मारा। तब वो गुस्से में कहने लगी, मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी, मैं तो उसे ढूंढ रही हूं जिसने मुझे मारा है। तो मैं उससे सवाल करने लगा, किसने मारा है, मुझे बताओ किसने मारा है। जिसने भी मारा है, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, उसके खिलाफ एक ऐसा आर्टिकल लिखूंगा जिसमें तुम्हारी पूरी की पूरी कहानी लिखूंगा, एक बार बता दो मारा किसने। तब वो लड़की फिर से रोने लगी और कहने लगी, यही तो याद नहीं आता, यही तो याद नहीं आता मारा किसने है, वो धुंधला धुंधला चेहरा दिखता है। मैं सड़क पर खड़ी थी, अपनी सहेलियों के साथ एक क्लब से आ रही थी, घर जाने का रास्ता था और मेरा एक दोस्त मुझे पिक करने वाला था, लेकिन वहां कोई और गाड़ी आई, उस गाड़ी से एक हाथ निकला और मुझे गाड़ी में खींच लिया। मैं चीखने की कोशिश कर रही थी, उसका चेहरा ही याद नहीं आ रहा, और उसके बाद उसने मुझे पकड़ लिया। वो यहीं पब्लिक पार्क में मुझे लेकर आया था, मुंह में पट्टी बंधी हुई थी, मेरा रेप किया और उसके बाद मेरा गला रेत दिया, मुझे बस इतना याद है। इसके बाद से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है, लोगों को नजर आती है और लोग भी ध्यान नहीं देते, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन बदले की आग बुझी नहीं रही। मैंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है, नाम तो याद होगा ना। उसने नाम बताया था, एनेस्थीसिया। अब एनेस्थीसिया मारिको नाम की लड़की, वो उस लिस्ट की लड़की थी, 15 लड़कियां मरी थी जिनकी लाशें निकाली गई थी, एनेस्थीसिया मारिको उनमें से एक। और जैसे जैसे मुझे याद आता गया उस लड़की को कैसे मारा गया, इसकी कहानी बिल्कुल वैसी। मैं वहां पर खड़ा हो गया था और मैं अब अपनी नजरें झुकाकर उसे कह रहा था, रसलान रसलान, उसे पकड़ा जा चुका है, उसे सजा भी मिल चुकी है, उम्र कैद की सजा, पूरे सबूत नहीं मिले थे उसके खिलाफ लेकिन सजा हो चुकी है, तुम्हारा कातिल मारा जा चुका है। तब उसने कहा था, पता नहीं क्यों बात अधूरी सी नजर आती है। तब मैंने वो तस्वीर रसलान की दिखाई थी और उस लड़की ने कहा था, ये चेहरा देखा देखा तो लग रहा है लेकिन कोई कमी है, जैसे कुछ रह गया है इस शख्सियत से, जैसे पहचान तो हो रही है लेकिन कमी, क्या तुम वो कमी ढूंढ सकते हो, क्या इसे सजा दे सकते हो मौत की, तब आजादी मिलेगी मुझे। और मैं घबरा कर उसे कहने लगा था, देखो ये मैं काम नहीं कर सकता, वो पहले से जेल में है, 20 सालों से वो जेल में है और सजा भुगत रहा है, कानून के खिलाफ मैं नहीं जा सकता, अगर उसे उम्र कैद की सजा मिली है तो वो उम्र कैद भुगतेगा, उससे ज्यादा मैं क्या करूं। लेकिन वो कहे जा रही थी रो रो कर, मुझे बदला चाहिए, मैं आजाद तब होंगी,
कुछ तो करो। अब मैं क्या करता, मैं वहां से सीधा घर की तरफ निकल आया था और पीछे से वो एक झटके में गायब। मैं जैसे ही घर पहुंचा वो बात दिमाग में घूमती जा रही थी, कोई मजबूर लड़की जिसे किसी ने मार डाला था और उसे मौत की सजा तक ना हुई, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, क्या दोबारा से उसे सजा दिलवा सकता हूँ। सबूत कच्चे मिले थे, पूरी तरह से साबित नहीं हो पाया था कि उसने हर लड़की को मारा है। उसके खिलाफ केस था कि उसने लड़कियों को यहाँ दफनाया है कहीं और से निकाल कर, और उसने माना ही नहीं। उसे मौत की सजा दिलानी होगी, उससे उगलवाना होगा, और ये काम एक ही इंसान करवा सकता है, इंस्पेक्टर साइमन। साइमन के पास जाऊंगा, वो जरूर मदद करेंगे। उस रात नींद ही नहीं आई थी मुझे, और सुबह सीधे मैं साइमन के पास पहुंच गया। वो 50 साल का आदमी जिसने 20 साल पहले इस केस को सुलझाया था, अब अधेड़ सी उम्र का हो गया था। मैंने उससे सीधा पॉइंट पर बात की। 20 साल पहले रसलान का केस, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? उसने भी बताना शुरू कर दिया। 20 साल पहले वो रसलान लड़कियों को उठाया करता था, पकड़ा ही नहीं जा सकता था। वो तो किस्मत थी मेरी कि वहां पर मैं सिगरेट पी रहा था और वो बदबू आई। ऐसी लाशों की बदबू की पहचान है, अगर मैं पुलिस में नहीं होता तो मैं समझता जैसे कुछ और सड़ रहा है, शायद कोई कुत्ता वुत्ता मरा होगा और वो केस कभी सुलझ नहीं पाता। लेकिन तुम इस केस के बारे में दोबारा क्यों जानना चाहते हो? मैंने कहा, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और इस केस के बारे में सारी जानकारी चाहता हूँ। तब उसने एक फाइल मेरे सामने कर दी। यहाँ इस फाइल में सब कुछ है, यहाँ से पहले भी कई जर्नलिस्ट आए हैं, इस पर कहानी लिख चुके हैं, शायद दोबारा इस कहानी को जिंदा किया जा रहा है, तुम इसमें सारी जानकारी निकाल सकते हो। मैंने कहा, हाँ इसमें सारी जानकारी तो होगी, ये मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, मुझे कुछ अलग जानकारी चाहिए। तब वो काफ़ी हैरान सा हो गया था। अलग जानकारी चाहिए? तुम अलग क्या जानना चाहते हो? मैंने कहा, मैं आपको कुछ बता सकता हूँ जो शायद आपको भी ना पता। वो बहुत ज़्यादा हैरान, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम बता सकते हो मुझे नहीं पता? इस केस को मैंने सुलझाया था, वहाँ 15 लाशें मैंने ढूंढ निकाली थी, मेरी पत्नी अब तक नहीं मिली और मैंने उसे बहुत पीटा था। वो जानकारी निकाल सकते हो तो बताओ, तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। मेरी बेटी जिसकी नज़रों में मैं गिर चुका हूँ, वो अब भी मानती है कि उसकी माँ को मैं ढूंढ तक नहीं पाया। बस अगर ये केस सुलझा सकते हो फिर बताओ। मैंने कहा, वो भी कर सकता हूँ, आपको मेरी मदद करनी होगी। और उसकी वो खुली आँखें, उस आँखों में उम्मीद देखी थी मैंने। और तब साइमन पूछने लगे, आखिर तुम इस केस के बारे में और क्या जानते हो? मैंने कहा, मैं गवाह ला सकता हूँ। गवाह वो लड़कियाँ जो मारी गई हैं, 2 लड़कियों की गवाही मैं आपके सामने दे सकता हूँ। इससे पहले कौन उनसे मिला, क्या उन्होंने उस कातिल को देखा? तो वो हैरान होकर देख रहे थे, लाशों से कैसे गवाही ले सकते हो, तुम कैसे कह सकते हो वो बता सकती हैं? मैंने कहा, मुझे उनकी प्रेत आत्माएं नजर आती हैं और वो मुझसे कह रही हैं, कुछ कमी है, सजा और मिलनी चाहिए। अगर आप रसलान को मौत की सजा दिलवा सकते हैं तो बताइए। तो उसने कहा, देखो मैंने कोशिश पूरी की थी, सारे सबूत ढूंढे नहीं जा सके, मैं बस इतना ही ढूंढ पाया था कि उन लाशों को वहां दफना रहा था वो, लेकिन कहां से लेकर आया, उसने कब कब मारा, मुझे ये पता ही नहीं चला। अब साइमन मेरी मदद तो करना चाहते थे, लेकिन वो मौत की सजा दिलाने के लिए ये केस मुझे ही सुलझाना था। मैं अब पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया था और रात होने का इंतजार करने लगा। मैं बात करना चाहता था अब उस मरी हुई लड़की से, एनेस्थीसिया मारेको। अब उससे बात करूंगा, कोई ना कोई हिंट तो देगी वो। लेकिन उससे पहले मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया, इस शहर में 20 साल पहले और कौन सी लड़कियां गायब हुई थी जो शहर के और कोनों से भी गायब हुई हों। मैंने ढूंढ निकाला था, कुल 30 लड़कियां गायब हुई थी, 15 इस एरिया से, 15 अलग अलग इलाकों से। उन 15 लड़कियों का केस रसलान पर लगाया ही नहीं गया था, क्योंकि वो कहीं और से गायब हुई मानी जा रही थी। अब मैं मान रहा था, क्या वो केस इसके साथ जोड़ा जा सकता है? उनकी तस्वीरें, उन लड़कियों की जानकारी भी मैंने निकाल ली थी, हो सकता है उनकी आत्माएं भी मुझे नजर आ जाएं और इसके बाद मुझे कोई हिंट मिल जाए।
रात का वक्त हो चुका था और 9 बजे मैं पार्क में पहुंच गया। और भी कई लोग थे जो सैर कर रहे थे, लेकिन मुझे अकेले में वहां उन लड़कियों से बात करनी थी। वो आत्माएं मुझे नजर आती हैं, तो मैं अब उन दो लड़कियों से बात जरूर करूंगा। जैसे ही 11 बजे थे, मुझे जैसे झपकी सी लग गई थी। वहां पार्क में ही सो गया था और झटके से मैं उठा था जब वो लड़की मेरे सर को सहला रही थी। यहाँ भूतिया घटनाएं होती हैं, लोगों को भूत नजर आते हैं और ये लड़कियां हैं उसका कारण। ये कोई और लड़की थी जिसके थोड़े थोड़े लाल बाल थे और काफ़ी छोटे कपड़े पहन रखे थे उसने, और वो मेरे सर को सहला रही। अचानक मैं उठकर खड़ा हो गया। पहले तो मुझे लगा ये भूतनी ही है या कोई और तो नहीं, लेकिन उसके माथे पर बना हुआ वो कट, उसके फटे हुए वो कपड़े, उसके हाथ से वो निकल रहा खून और उसके चेहरे पर वो तब भी मुस्कान, ये बयां कर रही थी वो जिंदा लड़की नहीं है। मैंने सीधा बैठकर उस सवाल को खुद दोहरा दिया, तुम्हें किसी ने मारा है और आज़ाद होने के लिए उसे सजा दिलवानी होगी ना। और वो खुद हैरान, तुम तो सब जानते हो लेकिन कैसे? मैंने कहा, मैं एनेस्थीसिया मारिको को जानता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, क्रिस्टीन। और मैंने उस डायरी में इस नाम को भी निकाल लिया। इसकी उम्र 18 साल थी जब इसे भी मारा गया था। ये गायब हुई थी और उसके बाद से ही जैसे यहाँ भूत दिखने शुरू हो गए। मैं अब उस लड़की से बात करना चाहता था और पीछे से एनेस्थीसिया आती हुई भी दिखी। वो मेरे शरीर के आर पार चली गई थी, लेकिन तभी वहाँ और भी लड़कियों का झुंड सा लगने लगा। मैं कभी एक से बात करने की कोशिश करता, दूसरी बोल पड़ती, कभी दूसरी से बात करता तो पहले वाली बोल पड़ती। वहाँ 10 से ज़्यादा लड़कियाँ थीं और वो मुझे घेरे खड़ी थी। उनके चेहरे भयानक हुए जा रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था ये मुझ पर हावी हो रही हैं। वो मुझे छू पा रही थी, मुझे धक्का दे पा रही थी और कहे जा रही थी, सजा दिलवाओ, सजा दिलवाओ, तुमने वादा किया था सजा दिलवाओ। और मैं कुछ बोल पाता उससे पहले उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। अब भूत तो भूत ही होते हैं ना, इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो मेरे कपड़ों को खींचना शुरू हो गई थी, वो मेरे मांस को खींच रही थी, गर्दन को नोचने की कोशिश कर रही थी। और मुझे लग गया था पता ये मुझे मार भी सकती हैं। मैंने घर की तरफ भागना चाहा, लेकिन उन्होंने पकड़कर मुझे पीछे की तरफ घसीट दिया। मेरी टांग पर दर्द होने लगा था, मुझे कई खरोंचे लग चुकी थी और अब तो बचकर जिस दिशा में भाग सकता था मैं भागा। वो मेरे पीछे कभी मुझे नोचती, कभी गिरा देती। मेरा मुंह चिपक गया था, मैं बोल नहीं पा रहा था। एक मेरे पीठ पर बैठी मेरे मुंह को दबोचे हुए, जिसे मैं दूर कर ही नहीं पा रहा था। तब मैं एक तरफ भागता गया उस स्ट्रीट में काफ़ी आगे, और जब भी किसी घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता वो पीछे की तरफ खींच देती। 10 से 15 कब हो गई मैं जान ही नहीं पाया। मैं उनसे दूर भागता रहा भागता रहा, और काफ़ी दूर पहुंचने के बाद एक बड़ा सा घर दिखा और उस घर के अंदर घुसने की भी आखिरी कोशिश की थी। और मेरी किस्मत, उसके पीछे एक औरत थी जो पौधों को इस रात के समय पानी दे रही थी। जैसे ही उसके पास पहुंचा मैंने उस जंगले में हाथ मारा और कहा, मुझे बचाओ। मैंने इशारा किया था और वो मेरी तरफ देखने लगी थी, और तभी उसने पीछे से एक डंडा निकाला और उस जंगले से डंडा मुझे पकड़ा दिया। मैंने वो बड़ा डंडा घुमाना शुरू कर दिया और वो भूतनियाँ जो मुझे नोच रही थी वो दूर दूर जाने लगी। तभी मैंने वो जंगला फांदा और मैं उस घर के अंदर। मैंने तब बोलना शुरू किया था क्योंकि मेरे कंधे पर चढ़ी हुई वो भूतनी भी पीछे गई थी। मैंने उस औरत को कहा था, मैं बच गया, मैं बच गया, ये मेरे पीछे पड़ी थी, देखा आपने वो भूत, देखा आपने? तब वो कहने लगी, हाँ मैंने देखा, किस तरह से ये वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी, मारना चाहती थी तुम्हें, भूतनिया थी वो, शुक्र है तुम बच गए, अब तुम घर चले जाओ, रात को बाहर रहना नुकसान भरा हो सकता है, हो सकता है यहाँ भी कोई भूत हो जो तुम्हारे पीछे पड़ जाए। अब उसकी ये बात ने मुझे और ज़्यादा डरा दिया। उसका चेहरा भी खूबसूरत था, लेकिन उसकी एक आंख बिल्कुल काली, वो भी एक प्रेत थी। मैं घबराकर पीछे हटना चाहता था, उसने मेरी कलाई पकड़ ली और कहा,
डरना मत, मुझे बहुत कम लोग देख पाते हैं, बस डरना मत, मेरी बात सुनो, हर किसी को तुम आज़ाद कर सकते हो, हर किसी को, भरोसा करो। मैं उससे डर रहा था कहीं वो भी मुझे नोचने की कोशिश ना करे, लेकिन उसने मुझे इशारा किया था पीछे जाने के लिए। ये बड़ा सा घर था जिसके पीछे का बड़ा सा गार्डन, और वहाँ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगी हुई थी। वो मुझे हाथ पकड़कर पीछे की तरफ ले जाना शुरू हो गई, और उसने एक पेड़ दिखाया था और कहा था, नीचे मेरी लाश नीचे दफनाई गई है, अगर तुम मेरी लाश निकाल लो तो सारा केस सुलझा सकते हो, हर किसी को आज़ाद करवा सकते हो, तुम्हें ये करना ही होगा। मैं पास में पड़ा फावड़ा लेकर वहाँ खुदाई करना चाहता था, भले ही मैं डरा हुआ था लेकिन उसकी बात पर यकीन भी कर रहा था। मैंने फावड़े से खुदाई शुरू कर दी, झाड़ियाँ हटाता गया, वो आवाज़ करता गया। ये इलाका काफ़ी बड़ा था, बीच में काफ़ी पुराने फव्वारे से बने हुए थे, यहाँ पेड़ भी लगे हुए थे, ईंटें भी पड़ी हुई थी। सब हटाकर जैसे ही खड्डा खोदना शुरू किया, नीचे से आवाज़ आई थी, ये फावड़ा किसी चीज़ से टकराया था। और जैसे ही मैं दोबारा फावड़ा मार कर निकालना चाहता था, पीछे से आवाज़ आई, हाथ ऊपर, कौन हो तुम? ये कोई था शायद घर का मालिक, और मैंने हाथ खड़े कर दिए। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ मजबूरी से आया हूँ, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। और उसने वो बटन दबा दिया, यहाँ चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई थी। मैंने मुंह पीछे घुमाया और सामने साइमन नजर आया, और उसने बंदूक मेरी तरफ तानी हुई थी और फिर मुस्कुराकर कहने लगा, अच्छा तो यहाँ तक पहुँच आए हो, मुझे शक तो हो रहा था, यहाँ लोगों को भूत भूत नजर आते हैं, और कहीं तुम्हें कोई लड़की का भूत नजर आ गया तो? मुझे शक तो हो रहा था तुम पर, और तुम यहाँ पर आ गए, अब तुम यहाँ से जा भी नहीं सकते, खड्डा तो खोद रखा है तुमने, अब तुम्हें भी वहीं पर दफना दूंगा जैसे बाकी लड़कियों को दफनाया था। और तब मेरी आंखों के सामने सारा दृश्य घूमना शुरू हो गया था। तुमने उन लड़कियों को मारा था, तुम कातिल तुम हो सकते हो, तुम्हें तो रसलान को फंसाया था। और वो मुस्कुराकर कहने लगा, 20 सालों से वो राज था जो राज ही रहा, लेकिन तुम उस राज को जान पाए हो, और तुम पहले और आखिरी होगे, अभी तुम्हें दफनाता हूँ। उसने ट्रिगर तो दबाने की कोशिश की थी लेकिन वो गोली चली ही नहीं, 2 बार उसने ट्रिगर दबाया था, गोली नहीं चली। और पीछे से वो औरत जो पहले मुझे नजर आई थी, उसने उसे जकड़ लिया, और वो भूतनिया जैसे दीवार फांद कर आ गई थी और उसे नोच रही थी, उसे भी नजर आ रही थी सारी आत्माएं, और वो घबराया हुआ दीवार से लगा उनसे बच रहा, वो सब उसे नोचे जा रही। और तब जाकर मैं वहां से निकल पाया था। मैंने पुलिस को फोन लगा दिया था कि मेरी जान खतरे में है, पुलिस कुछ ही मिनटों में वहां पर पहुंच गई। ये घर था साइमन का, इसलिए शक मुझ पर हो रहा था, लेकिन मैंने सब कुछ बताना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मुझे भूत नजर आया था, वो पीछे कंकाल दफन है। और पुलिस वालों ने साइमन की बात सुनी, मुझे हथकड़ियां लगा दी गई, लेकिन कमिश्नर ने पीछे जाने के लिए भी कहा था, और जब पुलिस वाले पीछे जाकर आए तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। साइमन को भी हथकड़ियां लगा दी गई थी और मुझे भी। हमें उस पुलिस की कार में बिठाया गया और पुलिस स्टेशन ले जाया गया। अगली सुबह तक उस घर के पीछे खुदाई करवा दी गई थी, और पूरी सच्चाई 20 सालों बाद सामने आ गई थी। वो कब्र जो पीछे से मैंने खोदी थी, वो साइमन की पत्नी की थी। साइमन की पत्नी उसकी आखिरी शिकार थी, क्योंकि कुल 29 औरतों को मारने के बाद उसे पता चल गया था, उसकी बीवी जान गई थी कि ये साइमन ही है। जब घर में उन लड़कियों के वो गहने मिल रहे थे, वो अंडरगारमेंट्स मिल रहे थे, तब उसकी पत्नी को शक तो हुआ था, ये हैवान है जो लड़कियों को रेप करके मार रहा है। और तब उसने ये बताने की कोशिश भी की थी, और साइमन ने अपनी बीवी को मारकर भी
यहीं पीछे दफना दिया था, क्योंकि उसने तभी सोच लिया था कि इस केस को सुलझाना होगा वरना वो फंस जाएगा। उसी रात उसने कई लाशों को रसलान के घर के पीछे दफना दिया था। तब रसलान कहीं बाहर था और उसने लाशों को दफनाया और पीछे से रसलान आ गया। जैसे ही साइमन वहां से भाग निकला, रसलान देखने लगा आखिर यहाँ हुआ क्या है, और साइमन घूमकर सामने आ गया और उसने तस्वीरें खींच ली। इस तरह अगले दिन वो पुलिस वालों को लेकर आया और सारा केस सुलझाया कह दिया। इसी कारण सिर्फ 15 लाशें मिली थी और 15 लाशें तो उसके घर में भी मौजूद थी। अब वो भी निकाल ली गई थी और उस हैवान की सच्चाई उसकी बेटी को भी पता चल गई थी। ये साइमन था जो हैवान था और अब भी बचा हुआ था, और रसलान एक मजबूर बेचारा जिसे केस में फंसा दिया गया। रसलान को आज़ाद कर दिया गया था और साइमन को मौत की सज़ा दी गई, क्योंकि सारे के सारे केस को सुलझा लिया गया। हर एक सबूत साइमन की तरफ इशारा कर रहा था, और दोबारा वो भूतनियाँ उस पार्क में कभी नजर आए ही नहीं। मैं सोच रहा था मेरा शुक्रिया करने के लिए तो आएंगी ना, आज़ाद किया है, वो कभी नज़र ही नहीं आई। और इस तरह मेरा आर्टिकल उस मैगज़ीन में छपा तो खलबली मच गई। मैंने वो केस सुलझा डाला था और इस तरह लोग जर्नलिस्ट को भी इज्जत की नज़र से देखने लगे। और मैं अब भी नए नए केस पर काम करता रहता हूँ, लेकिन दोबारा कभी भी वैसा भूतों वाला केस नहीं मिला जिसमें मेरी मदद भूतनियों ने की हो।